चलिए बताइए क्या नाम है। मैं कन्हैया निषाद, पूर्व प्रत्याशी अतरौलिया जी। क्या इस समय विधानसभा चुनाव, आई थिंक लगभग 3 महीने बाद 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने, इसके पूर्व आप प्रत्याशी रह चुके अतरौलिया विधानसभा चुनाव में, और मुझे लगता है कि 2500-3000 वोटों से आप हारे, लेकिन वो भी कोई अंतर नहीं है, आपको जनता आज भी विधायक मानती है, तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या संदेश लेके जा रहे हैं और क्या संदेश दे रहे हैं, दोनों के बारे में हमको थोड़ा विस्तार से बताइए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप गांव में जाके हकीकत जानना चाहें, और जो ये हमारे पार्टी के माननीय मोदी जी का जो एक अभियान है, एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करने का, तो उसी के अभियान के थ्रू हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं। और आप जो कहे कि 2500-3000, तो आपको ये बता दूं, पहले तो मैं 2500-3000 से नहीं, 1700 से चुनाव हारा हूं, और उनकी सरकार थी, कुछ सरकारी प्रशासन के वजह से या जैसे भी कह लीजिए, मैं 1700 से चुनाव हार गया, चुनाव तो जनता जिता दी, 72000 एक रिकॉर्ड तोड़ वोट मिला है जनता दिए, तो मैं जनता का आभारी हूँ, अतरौलिया की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, और अतरौलिया के जनता को मैं दिवाली का बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और उनको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। रही बात के विकास की, तो अभी सामने 13 तारीख को माननीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है आजमगढ़ में, जो विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा, और आजमगढ़ के लिए लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि विश्वविद्यालय मिल रहा, लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े। रही अतरौलिया की बात, तो मैं अतरौलिया से प्रत्याशी रहा हूँ, तो अतरौलिया में भी आप अगर देखेंगे तो एक पॉलिटेक्निक तैयार हो चुकी है, तो और ससोइया में जो है एक हॉस्पिटल बन गया है, और रोड के मामले में आप देख ही रहे हैं, और छोटे छोटे जो रोड थे वो भी बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, 150 से ज़्यादा पहले ही रोड बन चुके हैं छोटे बड़े, अभी मुझे लगता है कि 1-2 महीना में कम से कम हम लोग 150 और छोटे छोटे रोड जो गाँव में टूटे फूटे थे उनको भी पूरा कर लिया जाएगा, तो हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं, पार्टी तेज़ी से काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो है